नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सरकार की तरफ से आई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी युवा बेरोजगार भाई बहन हैं सभी के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी यूपी सरकार से रिलेटेड या यूपी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज हो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को रीड भी कर लिया होगा कि सुपर टेट 2020 महाखुशखबरी, तो ऐसी कौन सी बड़ी भर्तियाँ होने वाली हैं, जो रुकी हुई भर्ती है उसमें क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, सरकार का ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है, तो सारा कुछ आपको हम वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 3 महीने में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने का दिया निर्देश। राज्य ब्यूरो ये लखनऊ का है। क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। कोरोना आपदा के कारण यह गहराए रोजगार के संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। 3 महीने में यह प्रक्रिया शुरू कर इसे पूरा करते हुए अगले 6 महीने में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने का निर्देश भी दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएंगी और 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाएगा, ऐसा योगी जी ने निर्देश दिया है। शुक्रवार को लोक भवन में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2017 से लेकर अब तक सरकार ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश व अन्य भर्ती संस्थाओं के माध्यम से 3 लाख से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नौकरियाँ दी हैं। इस काम को पूरी तेजी से आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में भी पारदर्शितापूर्ण और निष्पक्ष ढंग से भर्ती प्रक्रिया को संचालित किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, निष्पक्ष ढंग से आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। देवभर में तलब किया जाए रिक्त पदों का ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सहित सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को रिक्त पदों का विवरण 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कुल 85,629 पदों पर भर्तियों के लिए कार्यवाही जारी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा और पुलिस विभागों में कुल 85,629 पदों पर भर्तियों के लिए कार्यवाही चल रही है। इनमें से बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों तथा पुलिस विभाग में 16,629 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। मतलब तो यहाँ पे 21 सितंबर को बैठक करेंगे जो भर्ती संस्था के प्रमुख हैं। सीएम ने निर्देश भी दिए कि विभिन्न भर्ती संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए चयन परीक्षाओं के आयोजन के बारे में कार्य योजना तैयार कर ली जाए। भर्तियों को लेकर गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सिलसिले में वह खुद 21 सितंबर को विभिन्न भर्ती बोर्ड आयोगों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी ये। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी युवा बेरोजगारों के पास ये वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी तसल्ली मिल सके कि हाँ अब भर्ती प्रक्रिया होगी और कराई जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसके लिए आप लोग सिर्फ 1 लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यूपी से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।